राजद के अमर पासवान को 56,306 वोट मिली है, वहीं बीजेपी के वेवी कुमारी को यहां पर 32,518 वोट मिले हैं, वीआईपी की गीता कुमारी को यहां पर 18,600, आपको बता दें कि 68 वोट मिले हैं। तो 17 राउंड में भी आरजेडी आगे चल रही है, आरजेडी बढ़त के साथ लगातार आगे बढ़ रही है, यानी कि ये मान के चलिए कि लगभग जीत आरजेडी की तय मानी जा रही है। हमारे सहयोगी निर्भय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। निर्भय, 17 राउंड हो चुका है, 17 राउंड तक देखिए आरजेडी आगे बढ़ रही है, क्या हम ये माने कि ये जीत जो ये सीट है वो आरजेडी के पाले में जा चुकी है? बिल्कुल, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये सीट आरजेडी के पाले में जा चुकी है, क्योंकि जिस तरीके से वोट का जो फासला है वो बढ़ता जा रहा है और वो घटता हुआ भी नहीं दिख रहा है, और उम्मीद भी नहीं कर सकते कि वो घटने वाला है, क्योंकि 17 राउंड की काउंटिंग यहाँ पर चल रही है और 17 राउंड में आप देखेंगी तो अब महज कुछ काउंटिंग है, क्योंकि 25 राउंड की काउंटिंग होने वाली है, आधे से अधिक जो काउंटिंग हो चुकी है, तो अब ये उम्मीद भी नहीं कर सकते कि जीत जो होगी वो किसी अन्य पार्टियों की होगी, क्योंकि फासला जो है वो लगातार बढ़ रहा है। और आप अगर 17वें राउंड की बात कर रही है तो देख लीजिए किस तरीके से यहाँ पर वीआईपी पकड़ चुकी है, बीजेपी दूसरे नंबर के लिए लगातार लड़ाई कर रही है, और 23,788 मत कोई कम फासले नहीं होते हैं, और इन फासलों को काटने के लिए अब शायद असंभव ही कहेंगे इसे इस लंबे अंतर को खत्म करना होगा बीजेपी के लिए, क्योंकि दूसरे नंबर पर ही बीजेपी बनी हुई है, तीसरे नंबर पर वीआईपी है, तो अब फिलहाल स्थितियां नहीं दिख रही, और जीत लगभग अब समझ लीजिए कि ये पूरी तरीके से जो मैच है ये मैच फाइनल स्टेज पर, अब आखिरी बॉल बस खेलना बाकी है, लेकिन खेल पूरी तरीके से समझ में आ चुका है कि खेल आखिर किसके पाले में है, जीत किसकी होगी, चेहरा किसके पर जाएगा। पूजा, बिल्कुल निर्भय, दर्शकों को तमाम जानकारी हम लगातार सुबह से ही दे रहे हैं। निर्भय, आप हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, आप भी दर्शकों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो स्थिति बन रही है उससे क्या संभावनाएं निकल के सामने आ सकती हैं। निर्भय, एक सवाल आपसे हम और लेना चाहते हैं, यहाँ पर कांग्रेस को यहाँ पर मुंह की खानी पड़ रही है, और हर चुनाव में उनका यही हाल रहता है, कहते हैं मंथन करेंगे, स्थितियों में परिवर्तन लाएंगे, लेकिन कोई फर्क दिखता बिल्कुल नजर नहीं आता। देखिए, अगर आप कांग्रेस की बात कर रही है तो कांग्रेस की सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि अभी फिलहाल स्थिति काफी दयनीय चल रही है, उनके शीर्ष नेतृत्व के फैसले क्या होते हैं ये आपने भी देखा होगा कि शीर्ष नेतृत्व बार बार ये फैसला करती है। बिहार में देखिए तो बिहार में भी अब नए परिवर्तन की बातें चल रही है, कब ये फैसले आ जाएंगे ये कोई नहीं कह सकता, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष को बदलने की बातें चल रही है, यहाँ पर कई और जो कमेटियां हैं बिहार में कांग्रेस के तरफ से उनको भी बदलने की तैयारी चल रही है, वो लोग भी बदले जाएंगे, कई जिलों में आपने देखा कि अब समिति बनाई जा रही है, जो समिति जमीनी स्तर पर काम करेगी, जो जमीनी स्तर पर जो कार्यकर्ता होंगे उन पर वो